गांव खुडाना से 5 वर्षीय शुभम उर्फ धोनी नामक लापता बच्चे का 1 साल बीत जाने के बाद भी पुलिस कोई सुराग नहीं लगा पाई है। परिजनों ने पुलिस शिकायत में बच्चे के अपहरण की आशंका जाहिर की थी। परिजनों ने न्याय के लिए डीजीपी, मुख्यमंत्री व प्रधानमंत्री तक मदद की भी गुहार लगाई, परंतु कहीं से कोई सहायता नहीं मिली। पीड़ित परिवार ने कहीं से मदद ना मिलने से परेशान होकर मीडिया से गुहार लगाई है। रहस्यमयी परिस्थितियों में अचानक गायब हुए बच्चे धोनी के अपहरण की भी परिजनों को आशंका है, क्योंकि बच्चे के गायब होने के 1 दिन पहले कोई व्यक्ति गाड़ी खरीदने के मामले को लेकर लापता बच्चे के पिता को परिणाम भुगतने की धमकी देकर गया था। बच्चे के लापता हुए 1 साल बीत गया, परंतु पुलिस के हाथ अभी खाली हैं। पुलिस के अधिकारी बदलते रहे और मामला भी यहां से वहां ट्रांसफर होता रहा, लेकिन बच्चे का सुराग लगाने में पुलिस नाकामयाब है। परिजनों का कहना है कि पुलिस अभी मामले में कोई तत्परता नहीं दिखा रही। परिजनों ने हार कर मीडिया से गुहार लगाई है कि एक मुहिम चलाकर बच्चे को ढूंढा जाए। राजनीति करता है मेरे गांव का ही है। मैं घर पे काम लगा हुआ था, इसने मेरे को फोन करके बुलाया, मैंने मना भी कर दिया था। फिर इसने मेरे को एक स्कॉर्पियो गाड़ी दिला दी, उसकी कोई किस्तें भी बताई थी उसने, पूरी 34 किस्तें बताई थी और एक किस्त टूटी हुई है वो भरनी थी। फिर मैंने वो गाड़ी बेच दी 5-7 दिन में। फिर उनका फाइनेंस कंपनी वालों का मेरे पास फोन आया, बोले भाई गाड़ी की किस्त बकाया है। मैं बोले जी एक किस्त टूटी हुई भर दे, बोले भाई गाड़ी की 3 किस्तें टूटी हुई हैं। फिर मैंने इनके पास फोन किया, ये उन्होंने मेरे को कोई रसीद वगैरह नहीं दी। फिर 13/11/2015 को पालड़ी के लड़के आए, जिसके नाम गाड़ी थी वो आए, 7-8 आदमी 10 आदमी वहाँ पे इकट्ठे हो गए। उन्होंने मेरे को धमकी दी, भाई वो मेरे को गाड़ी दिला दे वापस, मैं डॉक्टर कुलदीप खैरा का भांजा हूँ। टिम्पी नाम का लड़का आया था पालड़ी का, वो मेरे को धमकी दे के गया सरेआम। ओम पाल ठेकेदार है उसके घर के सामने गाँव खुडाना में। क्या धमकी दी उन्होंने? उन्होंने कहा मैं डॉक्टर कुलदीप खैरा का भांजा हूँ, तो हमें नहीं जानता है और लाडले वो गाड़ी तो देनी पड़ेगी, राजी नहीं तो नाराजी, हम लेना जानते हैं। और बस असभ्य शब्द यूज किए उन्होंने कि गोली निकाल देंगे और आज का दिन तेरा है, तेरा ऐसा हल करेंगे, सौदा समझ में नहीं आएगा। और घनश्याम बणिए के पास भी तने पिकअप गाड़ी ले रखी थी, उसकी तने किस्त नहीं भरी, उसको उठा लेके बणिए। और परसों भी तुराव तुलाराम चौक पर कैंपर गाड़ी लेके लिगड़ा, बच के लिगड़ गया हमसे। और आज का दिन तेरा है, तेरा ऐसा हल करेंगे, तेरा सौदा समझ में नहीं आएगा, तेरा आधा गांव कहता है चोर है, ठग है, बेईमान है, गुंडा है, बदमाश है, वो तेरे गांव के त्रिमुख भरी देंगे। ये कह के उन्होंने, मैं वहीं खड़ा था और उन्होंने मेरे को धमकी दी, बोले आज का दिन तेरा है, तेरा ऐसा हाल करेंगे, सौदा समझ में नहीं आएगा, और गाड़ी तो हम लेना जानते हैं। दूसरे 14/11/2015 को दूसरे दिन मेरा लड़का गायब हो गया। नहीं जी 1% भी उम्मीद नहीं है जी, 1 साल हो गया बच्चे का, यही नहीं पता कहाँ है, किस हालत में है। अब तो साहब मीडिया से ही हमें उम्मीद है, ये हमारी कुछ नई आपको पार लगा सकते हैं। वो बच्चा जिस भी हालत में है, जैसे भी हालत में है, अभी ये हमें बरामद करवाएंगे पुलिस और महकमे सरकार से, हमें 1% भी कोई उम्मीद नहीं है जी। जैसे कि शुभम धोनी था और वो 1 साल से गायब है, तो किस तरह क्या है ये पूरा? ये है कि जी सितंबर को 23 सितंबर को ना विक्की हमारे गांव का, उसने ना फोन करा था कि योगेश जल्दी जल्दी आ जाए, गाड़ी है तू गाड़ी मेरे को दिवा दी, गाड़ी अच्छी गाड़ी है। योगेश बोले भाई मैं तो नहीं आऊँ, तो काम के लग रहा हूँ, तो बोले ना तू आ जा भाई, तेरे नहीं पसंद तो मैंने दिवा दी गाड़ी। तो योगेश चला गया, मैंने कसम दिया बेटा तू मत जा, बोले ना विक्की बुलाओ मैं जाऊँ। मैं विक्की हमारे गाँव का एक जिला पार्षद है, जिला पार्षद की उसकी बहन है, जिला पार्षद है वो नाम रीत जी, तो वो रामविलास का खास आदमी, उन्हें बुला ली तो उन्होंने गाड़ी दिवा दी। वह गाड़ी मेरे ने कैसी थी कैसी नहीं, इन्हें तो बेच दी वह गाड़ी, एक किस्त बताई थी उनकी किस्त निकली थी, फिर इन्हें गाड़ी बेच दी, तो बोले वह गाड़ी वापस दिवा दे। वह आया, एक तो पारड़ी का था और पता नहीं कित का था, 8-7 जना आके इन्हें 13 तारीख ने धमकी दे के बोले वह गाड़ी वापस दे। उन्होंने बोले भाई मैंने तो गाड़ी बेच दी, तो उन्होंने बोले नहीं वापस दिया नहीं देगो, तो आज को दिन तेरह काल मारो दिन से तेरा वो हालत करांगा, तो तेरे सोच समझ में नहीं आओ, गोर गोली से मार देंगे हम कुलदीप खायरा का बाण जहां। तो उनके काम दूसरे दिन, अरे बच्चे 13 तारीख ने धमकी दी, दूसरे दिन बच्चे उठा लिए, 14 तारीख ने खेलन गए तो भुजिया लेन गए, तो 4 बजे फिर बच्चे वापिस नहीं आए। 1 साल हो गया, हमने पुलिस चौकी में भी बेटी भी करवाई थी, एप्लीकेशन लगवाई, हमारी नहीं सुनाई करी। फिर हम SP साहब के गए, SP साहब मनीषा चौधरी ने हमारी कोई सुनाई नहीं करी, CA आला ने हमारी कोई सुनाई नहीं करी, वो ओम प्रकाश जांगड़ा DSP साहब उन्होंने हमारी कोई सुनाई नहीं करी, पैसा खा गया। और फिर
एनसीआईआई तो हमारे गांव के एक मुखिया आदमी है, वो मोती जिला पार्षद है, जिला पार्षद रेड पीछे योजना में, तो अब वकील है वो गांव को मुखिया आदमी, उनका चौपाल के एक बड़बेरी के नीचे सीआई आ जाता 10 बजे रात के और सुबह 4 बजे चला जाता, वही दारू पानी होती उनकी, चाय पानी होती, सुबह जाके डीएसपी ने लिपा पोती करके दिखा देता कि हम तो कार्रवाई करे, और वही कार्रवाई एसपी साहब ने दिखा देता, मनीषा चौधरी ने हमारी कोई कार्रवाई नहीं करी। रामविलास शर्मा के भी हमें कई बार हुए, रामविलास शर्मा का हल्का की बेटी हूँ मैं, रामविलास शर्मा का अगर पोता होता तो के रामविलास शर्मा आपका पोता कितने ही दिन लगाता जी, मेरा पोता चाहिए। मैंने पहले तो रामविलास शर्मा भिखारियों की डाल वोट मांगने आता मेरे घर पर, बार बार चाय बना दे चाय पी के जाता, उसका बेटा गौतम वो मेरे घर पर रोटी खा के जाता, चटनी रोटी बना दे मैं चटनी रोटी खा के जाऊंगा, आज हमारे में बास आने लगी, बदबू आने लगी, हमारी तरफ देखे भी नहीं हो, रामविलास शर्मा की सारी कार्रवाई है जी। महेंद्रगढ़ से जा टीवी न्यूज के लिए विपिन यादव की रिपोर्ट।